लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाँ फकीर चंद जी, ये सियासत के शतरंज की चाल है, आपको समझना चाहिए। अच्छा अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। अरे आओ, आज देश में चारों तरफ तुम्हारी बहादुरी की जय जयकार हो रही है, और जब मैंने सुना कि तुमने फसादी गिरोह के एक आदमी को गिरफ्तार किया तो मैं अपने आंसू रोक नहीं सका, खुशी और जज्बात के आंसू। बेटा जब बहादुरी का काम करता है तो बाप अपने आंसू कैसे रोक सकता है। तुम मेरे बेटे की तरह हो ना। ऑफकोर्स सर, मेरी जिंदगी की हर तरक्की आपकी मेहरबानी की बुनियाद पर खड़ी है। खैर, आपने मुझे किसी जरूरी काम से बुला था ना सर? हाँ, अरे ये सियासतदान भी अजब भुलक्कड़ काम है, देखो ना, शतरंज खेलते हैं और चाल चलने भूल जाते हैं। अमन, मुझे तुमसे एक बहुत ही खुफिया बात करनी है। जयराज। यस सर। मैंने सुना है कि आईजी साहब ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम अनिल राज को गिरफ्तार कर लो। जी हाँ, मैं तो उसके अड्डे तक पहुंच भी गया था लेकिन उसने अपना अड्डा बदल लिया है। और अनिल राज का नया अड्डा कहाँ है ये कोई नहीं जानता, सिर्फ एक आदमी जानता है और वो है शंकर नारायण। आप? हाँ, क्यों, तुम्हें आश्चर्य क्यों हो रहा है? अरे भाई, मैं सरकारी पार्टी का लीडर नहीं हूं मगर जनता की हमदर्दी का मेंबर तो हूं ना, और जनता की हालत देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रुकते नहीं। बेटा तुम तो जानते हो, तुम्हें मालूम है आज तक अनिल राज गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें सियासत के शतरंज की बहुत बड़ी चाल है, बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों का उसके सर के ऊपर हाथ है। मंत्री? मंत्रियों का? नहीं सर, मुझे तो ये मुमकिन नहीं लगता। बेटा, ये सियासत की नजाकत है और इस नजाकत को समझने के लिए सियासत वाला दिमाग चाहिए जो मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है। बड़े बड़े नेताओं की छत्र छाया में अनिल राज अपनी गुंडागर्दी का राज चला रहा है। आप मुझे उसका पता दीजिए, मैं अभी अपने ऑफिस को इन्फॉर्म करके उसकी गिरफ्तारी का इंतजाम करता हूं। अमर, तुम एक सच्चे देशभक्त सिपाही तो हो मगर सियासत की स्याही को तुम नहीं देख सकते। अगर तुमने अनिल राज के बारे में किसी से कुछ भी कहा तो पुलिस के पहुंचने से पहले अनिल राज को वहां से हटा दिया जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि काम मेरा बेटा करे, यानी तुम। ये काम तुम करके अपनी वर्दी के साथ नहीं बल्कि अपने पिता सम्मान शंकर नारायण के साथ, इस धरती मां के साथ वफादारी करोगे। सर, अनिल राज है कहां? पता तो मैं तुम्हें बता दूं अगर वो बहुत खतरनाक आदमी है, तुम्हें जान से मारने की कोशिश करेगा। बेटा अपना ख्याल रखना। सर, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अनिल राज है कहां। डेविड। यस सर। एक आदमी मुझसे मिलने आ रहा है, तुम बाहर जाओ, उस पर नजर रखो। अगर तुम्हें जरा सा भी खतरा नजर आए या शक हो तो उसे शूट कर दो। ओके सर।
सर। ओह अमरनाथ, अमरनाथ आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने ये कारनामा अंजाम देके और चीफ मिनिस्टर से मुबारकबाद हासिल करके सारे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बढ़ाई है। तुम डिपार्टमेंट के लिए एक मिसाल हो। अगर मुल्क का हर पुलिस ऑफिसर इतने ही जज्बे से काम कर रहे, अपना फर्ज निभाए, तो जुर्म गुनाह सफाए हस्ती से मिट जाए। अमर, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी और है। चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे तुम्हें तरक्की देकर असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बनाया जा रहा है। Here's the order. Thank you, sir. देखो मां, तेरे आशीर्वाद से आज मैं असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बन गया। फर्ज का ये बोझ बढ़ने से जिंदगी में मेरे कदम कभी डगमगाने न पाए। वर्दी पर जितने तमगे और सितारे हैं वो बढ़ते जाएं, मैं उतना ही गरीबों और मायूसों की दुनिया में उजाला करता जाऊं, उतनी ही अपनी मातृभूमि की सेवा करता जाऊं। बस अपने बेटे को तू यही आशीर्वाद देती रहना मां। जी मगर वगर कुछ नहीं, तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, मुबारकबाद देने आई हूँ, और इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अरे शर्म नाम कुछ है तुम्हें या नहीं? शर्म का टॉपिक बाद में, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मैं तुमसे क्यों प्यार करती हूँ? इसलिए कि सिनेमा घर की तुम्हारी पहली टक्कर ने मेरे दिल को हिला दिया, फिर तुमने उस खतरनाक अनिल राज को खत्म कर दिया, वो भी अकेले। अरे आजकल इतना सब कौन कर सकता है, कौन करता है? सब अपने मतलबों में लगे हुए हैं, रिश्वत लेके मुझे को छोड़ देते हैं, देश को दुश्मनों के हाथ बेच देते हैं। लेकिन तुम एक सच्चे ईमानदार और बहादुर ऑफिसर हो, इसलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और मैं देखती हूँ कि मुझे तुमसे शादी करने से कौन रोक सकता है। शादी? हाँ हाँ शादी। तुम्हारी पत्नी बनने से ना मुझे समाज रोक सकता है, ना मेरे पिताजी रोक सकते हैं, और ना तुम रोक सकते हो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मैं बहुत जिद्दी हूँ। अगर लड़की जात होकर खुद तुमसे प्यार का इजहार कर सकती हूँ, तो तुम्हारे इनकार का जहर पीकर जान भी दे सकती हूँ। हिम्मत है तो इनकार करके देखो, ना करके दिखाऊं तो मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी नहीं। अपने दिल के किसी कोने में मुझे थोड़ी सी जगह दे दो ना। देखो ना नहीं बोलना प्लीज। उस तो कौड़ी के इंस्पेक्टर के साथ अपनी बेटी की शादी मैं नहीं करूंगा। क्या सीताराम जी, खामखा की हुज्जत करने और जिद करने से क्या फायदा? आपकी बेटी जवान है, पढ़ी लिखी है, अगर आप जिद करेंगे तो वो घर से भाग जाएगी। घर से भागेगी तो आपकी इज्जत चली जाएगी, जब आपकी इज्जत जाएगी तो पार्टी की इज्जत जाएगी। इसलिए पार्टी की इज्जत रखने के लिए आप अपनी बेटी के हां में हां मिला लिए। क्या कह रहे हैं आप? आपका मतलब है उस अमरनाथ को मैं अपना दामाद बना लूं? अरे तो उसमें बुराई क्या है सीताराम जी, आपकी तो सिर्फ एक बेटी है। अगर मेरी 101 बेटियां होती तो मैं उन सबकी शादी अमरनाथ से करा के उसे अपना दामाद बना लेता। जी हाँ भाई, ये सियासत की शतरंज की चाल है, और इस चाल चलने के लिए हमें अमरनाथ जैसे मोहरे की जरूरत है जो कुर्सी पर कानून की बैठे, नौकरी सरकार की करे, फर्ज अपना निभाए और इशारों पर हमारे चले। और ऐसा मोहरा अपने हाथों में सिर्फ अमरनाथ है, इसलिए फौरन अपनी बेटी का हाथ अमरनाथ के हाथ में दे दो, ताकि कल आसानी से वो हमारे हाथ में आ जाए। समझ गया।
खैरियत तो है आशा की तबीयत? घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि आपके लिए खुशखबरी है, आप बाप बनने वाले हैं। सच? जी हाँ। मुबारक हो, मुबारक हो बेटे, डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुनाई है, भगवान ने मेरी तमन्ना पूरी कर दी। पिताजी, एक छोटी सी गुजारिश थी आपसे। कल मैं एक ऑफिशियल काम से दिल्ली जा रहा हूँ और आशा को ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ। आप यहाँ मेहरबानी करके। मेहरबानी क्यों भाई, तुम्हारी पत्नी है तो मेरी भी तो बेटी है ना, ऊपर से मेरी दौलत के रखवाले की माँ है, ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। कौन सी फ्लाइट से दिल्ली जा रहे जी? वो जो शाम को चलती, उसी से। अरे अरे दीदी, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटी, रात घर पहुंचा तो टेलीफोन आया कि हमारी कंपनी के अर्जेंट मीटिंग के लिए मुझे दिल्ली जाना ही पड़ेगा। क्या पिताजी, मैंने सोचा मेरी गैर हाजिरी में आप आशा का ख्याल रखेंगे, पता चला मेरे साथ आप भी गैर हाजिर हो रहे हैं। नहीं, मैं वहाँ रहने के लिए थोड़ा ही जा रहा हूँ, इस फ्लाइट से जाऊंगा, शाम की फ्लाइट से वापस आ जाऊंगा। कृपया ध्यान दीजिए, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 181 अब दिल्ली जाने के लिए तैयार है। घबराने की कोई बात नहीं, मुझे पहले भी ऐसा दर्द का दौरा उठा था दिल्ली में, मैंने दो दिन आराम किया, दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन बार बार इस दर्द का उठना अच्छा नहीं। अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं अपना टिकट कैंसिल करवा के आता हूँ, फिर पिताजी को सीधे डॉक्टर के पास ले चलेंगे। नहीं नहीं बेटा, घबराने की कोई बात नहीं, रिश्तेदारी के लिए अपने फर्ज कभी मत टालना, टिकट मत कैंसिल करो, मैं अपना जाना कैंसिल कर रहा हूँ। एक काम कर सकते हो? जी फरमाइए। वो ब्रीफ केस लाओ, मैं फॉरेन कोलैबोरेशन में एक नया बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, उस बिजनेस के तमाम पेपर्स इस ब्रीफ केस में है। मेरा एक दोस्त रिचर्ड लुइस दिल्ली एयरपोर्ट पर आएगा, उसे ये ब्रीफ केस दे देना, मैं अभी घर जाकर उसे टेलीफोन करता हूँ। अच्छी बात। This is the last and final call for all the passengers traveling to Delhi by flight 181. Boarding की final launch control हो गई है। अच्छा। अपना पिताजी का ख्याल रखना। अच्छा। चलो डैडी। Your attention, please. Mr. Amarnath, passenger arrived from Bombay by flight number IC181. Kindly contact the inquiry counter for a message. Thank you. I'm Inspector Amarnath. You have a message. Excuse me, sir. Are you Mr. Amarnath? Yeah. I'm Inspector Vijay Singh, Delhi Crime Branch. मैं आपको रिसीव करने आया हूँ। ये ब्रीफकेस मैंने देना किसी को थोड़ी देर। Excuse me, Mr. Amarnath. Richard Lewis is my name. What? Richard Lewis. Well, Mr. Sitaram from Bombay telephoned. Yes, ये ब्रीफकेस उन्होंने आपके लिए दिया। Thanks a lot and sorry for the trouble. You're welcome. चलिए। Good morning. Good morning, sir. I am Shamshir Singh, IG Police, Delhi. Please take your seats. Well, friends. मैं आप सब अलग अलग स्टेट से आए हुए ऑफिसर्स का स्वागत करता हूं। आप सबको यहां बुलाने की वजह यह है कि हमें हांगकांग के इंटरपोल से
एक स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की खबर मिली है। उसकी ब्रांचें दुनिया के तमाम मुल्कों में फैली हुई हैं और उसकी गैंग के खास आदमी का ताल्लुक हमारे मुल्क के कुछ आदमियों से भी है, इसीलिए वो अक्सर इस मुल्क में आता जाता रहता है। उसकी गिरफ्तारी के वारंट दुनिया के सब देशों से निकल चुके हैं। अब आप लोगों को यह पता लगाना है कि उसका ताल्लुक हमारे देश के किन किन लोगों से है और उनका कारोबार कैसे चलता है। अब मैं आपको उसकी तस्वीरें दिखाता हूं, प्लीज कम विद मी। गुड मॉर्निंग सर, प्लीज टेक योर सीट्स। इंटरनेशनल स्मगलर कोया कोया अताची, यह आदमी हमारे देश की अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से जाता है और स्मगलिंग करता है, और इसके अलावा हमारे देश के मिलिट्री सीक्रेट्स स्मगल करके दुश्मन देशों को बेचता है, और हमारे देश के कुछ आदमी ये राज इसे बेच रहे हैं। मालूम कीजिए वो गद्दार कौन है। अभी अभी हमें खबर मिली है कि यह आदमी इस वक्त हमारे देश में है, इसकी तलाश कीजिए और जितना जल्दी हो सके इसे गिरफ्तार कर लीजिए।